जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितनी भी हमारी समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन है उसमें 25 क्वेश्चन जो लास्ट में आते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, और उसके बाद जो नई आने वाली हमारी मैगजीन होगी, नया अंक यानी कि मई का जो अंक होगा उसको मैं MCQs के रूप में ही लेकर आऊँगा। यानी कि पूरी मैगजीन को सिर्फ 25 क्वेश्चन उसके नहीं होंगे, बाकी सारे जितने भी उसमें टॉपिक होंगे सारे टॉपिक्स से MCQs बना के और उसको फिर करवाऊँगा। मैंने ये देखा है, मैंने आपसे सुझाव भी मांगा था, कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, और मैंने और भी कई लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जो ये तरीका है पढ़ाने का, आपको पहुँचाने का, वो काफ़ी नायाब तरीका है, काफ़ी अलग है, आप लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरीके से करवा दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग जो चल रही है हमारी, उसमें पहली तिमाही और दूसरी तिमाही, ये दोनों तिमाहियों के परिणाम आए हैं, और इसमें 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो शहर थे उनकी श्रेणी बनाई गई है, और उस श्रेणी में ये दोनों तिमाहियों में, चाहे वो पहली तिमाही हो या दूसरी तिमाही हो, दोनों तिमाहियों में जो फर्स्ट पोजीशन थी जिस शहर की वो सेम रही है, बाकी सेकंड थर्ड बदली है, लेकिन पहली पोजीशन एक शहर की रही है, वो कौन सा शहर है ये बताना है। वो हमारा इंदौर शहर है। इंदौर की रैंक चाहे पहली तिमाही के परिणाम आए हों या दूसरी तिमाही के परिणाम आए हों, दोनों तिमाहियों में इंदौर फर्स्ट प्लेस पे रहा है। इंदौर हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि देश की ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी, किसकी, नेचुरल जो हमारी गैस है उसकी हिस्सेदारी को 2030 तक 6%, अभी मौजूदा जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसका जो हिस्सा है वो है 6%, और इसको 2030 तक बढ़ाकर सरकार ने कितना करने का लक्ष्य रखा है ये बताना है। तो सरकार ने इसको बढ़ाकर किया है 15%, यानी 6% ये मौजूदा स्तर है, इसको बढ़ाकर कितना करना है, 15% करना है हमें इसको बढ़ाकर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो अभी CDS जो एक नया पद सृजित किया गया है, CDS पद, उस पर जो व्यक्ति होगा वो कितने आयु तक रह सकता है, मैक्सिमम एज बतानी है, कितनी एज तक कोई व्यक्ति CDS के पद पर रह सकता है। आप जानते होंगे जनरल विपिन रावत पहले CDS बने हैं, और आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने सालों तक ये रह सकते हैं। तो इनकी एज जब 65 साल की हो जाएगी तब इनको रिटायरमेंट लेना होगा, यानी कि 65 वर्ष ये मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि NCRB, हमारे यहाँ जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ ये सारे जितने भी अपराध होते हैं उनका एक डेटा जो कलेक्ट करता है, जो जारी करता है रिपोर्ट, वो NCRB करता है, और भारत में अपराध 2018 नाम की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, और उसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ, किसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है, यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध किस राज्य में होते हैं। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, और उसके नमूने भी देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, चाहे हमारे अभी BJP के जो विधायक थे सिंगर साहब उनका मामला हो, या BJP के पूर्व नेता या पूर्व गृह राज्य मंत्री वो शाहजहाँपुर वाले जो स्वामी जी थे, जेल में हैं अभी, तो उनका मामला हो, कई सारे, ये मैंने बताया केवल BJP की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, चाहे सपा हो या बसपा हो, कई सारे नेता और विधायक भी इसमें सम्मिलित रहते हैं इस तरीके के अपराधों में महिलाओं के खिलाफ। और घरेलू हिंसा तो जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं के खिलाफ, और ज़्यादातर केसेस में जो घर के व्यक्ति होते हैं, खासकर उनका हस्बैंड हो, सास हो, और उनके जो भी परिवार के व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादा संलिप्त रहते हैं घरेलू महिलाओं के खिलाफ हिंसा में। तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा में, उत्तर प्रदेश अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2020 में नेचर रिस्क राइजिंग,
नेचर रिस्क राइजिंग एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये बताना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रगतिशील, कौन सी कैटेगरी प्रगतिशील राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नहीं दर्शाया गया है। देखो इसमें से चार राज्य हैं, केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है। तीन ऐसे राज्य हैं जिनको प्रगतिशील राज्यों में रखा गया है, बाकी एक को नहीं रखा गया है, वो आपका गुजरात है। गुजरात को प्रगतिशील राज्य में नहीं रखा गया है, बाकी केरल है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक, इन तीनों को प्रगतिशील राज्यों में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, गुजरात सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में वित्तीय समावेशन के लिए, किसके, वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई है। किसने बनाई, आरबीआई ने बनाई है। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति रिपोर्ट जारी की है और यह किस वर्ष के लिए, ये बताना है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई है ये किस वर्ष के लिए, ये 2019 से लगाकर 2024 तक के लिए है, यानी कि ये पाँच वर्षों के लिए ये कार्यनीति है आरबीआई के द्वारा, किसके लिए, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्नस लाबुशेन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवा क्वेश्चन, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टीम इवेंट का पहला एटीपी टेनिस कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टीम इवेंट का पहला एटीपी टेनिस कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसको जीता था सर्बिया ने, किसने जीता था, सर्बिया ने। दसवां क्वेश्चन है गुवाहाटी असम में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया है। किस खेल को गुवाहाटी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम, कौन सा गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है गुवाहाटी में, ये भी याद रखना है, कहाँ होने जा रहा है, गुवाहाटी में होने जा रहा है, कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है, ठीक है। इसमें किस खेल को इस बार शामिल किया गया है, तो साइकिलिंग को भी शामिल किया गया है इसमें, साइकिलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं डब्ल्यू वी रमन की बुक है द विनिंग सिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वेमेन पहल शुरू की है, कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है, कौन सी पहल है, साइबर सेफ वेमेन, ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नगदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया है। रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नगदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया है, यानी कि स्टेशनों पर तमाम सारी नगदी जो आती, कैश आता है, उसके कलेक्शन के लिए, मतलब वो बैंक वाले वहीं कलेक्शन के लिए आएंगे, कोई रेलवे का कर्मचारी बैंक नहीं जाएगा लेके पैसा जो कैश होगा, बैंक कर्मी खुद आएंगे रेलवे के पास में, यही है डोर स्टेप बैंकिंग। तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है रेलवे के साथ मिलके, किसने शुरू किया है, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रेलवे ने ये समझौता किया है डोर स्टेप बैंकिंग का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL को भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में कब स्थापित किया गया था, ये 14वां क्वेश्चन है।
और ये स्थापित किया गया था 1967 में, HCL को 1967 में स्थापित किया गया था। 15वां क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उमारो सिस्सोको एम्बालो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। इनका नाम है पूरा उमारो सिस्सोको और एम्बालो, इनका पूरा नाम है। ये गिनी बिसाउ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, गिनी बिसाउ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF एकेडमी की आधारशिला रखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागपुर में जहाँ पे RSS का मुख्यालय है वहीं पर इन्होंने NDRF एकेडमी की स्थापना की है अमित शाह ने, गृह मंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब दिया गया है। तो ये जो मूवी थी ये थी 1917 को ये दिया गया है, 1917 को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां, 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई थी 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2019 में कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा है, मतलब कहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सराय आया था वो बताना है। तो ये फिजी में आया था सराय नामक चक्रवात। दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मोबाइल ऐप मणि, इसका फुल फॉर्म अगर जानना है तो इसका नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नोट मतलब जो करेंसी नोट होते उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मणि ऐप सृजित किया गया है, बनाया गया है। और इसको किसने जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि JSI द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में छोटे मेंढकों की 3 प्रजाति की खोज की गई है। तो ये आपको बताना है, 21वां क्वेश्चन है। तो ये लोअर सुबनसिरी ज़िला है अरुणाचल का, वहाँ पर 3 मेंढकों की 3 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। 22वां क्वेश्चन है, इसरो के प्रमुख के शिवन, आप जानते होंगे के शिवन को, आपने देखा भी होगा, अभी जब अपना चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था जिस दिन और फेल हो गया था उस दिन बहुत रोए थे प्रधानमंत्री जी ने, इनको गले भी लगाया था के शिवन साहब को। इसरो के प्रमुख के शिवन द्वारा कर्नाटक के किस जिले में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु केंद्र की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गगनयान प्रक्षेपित किया जाने वाला है, उसकी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, कौन जाएगा, अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे उनके प्रशिक्षण के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक केंद्र बनाया गया है। और वो कहाँ पर बनाया गया है, ये चित्रदुर्ग ज़िले में ये प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये 72वां स्थान मिला है भारत को, 72nd पोजीशन है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है, जापान को मिला है शीर्ष स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आखिरी क्वेश्चन है इसका, कि 23वें फारस खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये ईरान की राजधानी तेहरान है, वहीं पे फारस की खाड़ी भी वहीं पड़ती है, ईरान को फारस कहा जाता था पहले, तो फारस की खाड़ी फारस में ही होगी
और इसका सम्मेलन हुआ है तेहरान में, जो कि ईरान की यानी कि फारस की राजधानी जो है वहाँ पे हुआ है। तो ये आपका मार्च का ये पूरा 25 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।